हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, एक्सरसाइज 5 को कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टूडेंट्स हम लोग आर एस अग्रवाल का जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का चल रहा है, उसका एक्सरसाइज 5 ऐप को कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 5E के तरह ही 5F भी बहुत ही इजी है। बस इसमें आपको 6 का ना 2 फॉर्मूला खाली याद होना चाहिए, आपको कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, यदि किसी भी बच्चों को यहां से देखने के बाद, लेक्चर देखते हुए यदि आपको कहीं भी परेशानी हो, तो जिस भी जगह पे आपको दिक्कत होता है ना, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हमको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट हमसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट आपका एक भी डाउट लेकिन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैथ मिस होता है, आप यदि पीछे का चीज को जान रहे तो ही आपसे आगे का चीज बनेगा। इसलिए स्टूडेंट्स अच्छे से आपको देखना है, बनाना है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये नहीं कि इजी एक्सरसाइज है दिए छोड़ के, वैसा नहीं करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 5F एक्सरसाइज जो है, हम आपको पहले बता दिए है क्या। तो 5F एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम लोग को सीखना है स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट्स का जो होता है फॉर्म, जब दे देगा स्क्वायर रूट्स का फॉर्म में और बोलेगा इसको सॉल्व करके बताइए, तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे ना, उसी चीज को सीखेंगे स्टूडेंट। इसमें बस 6 का 2 फॉर्मूला का यूज है। अब ये 2 फॉर्मूला यदि सीख जाते हैं ना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा 5F एक्सरसाइज बनाने में। बस हम इसमें एक क्वेश्चन हिंट करेंगे, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हम एक दो क्वेश्चन और हिंट कर देंगे ताकि कमजोर से कमजोर भी जो छात्र है, देखिए हम किसी को कमजोर नहीं बोल रहे हैं, मैथ को मतलब जो थोड़ा स्लो भी बनाते हैं ना, उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला आप देखिए स्टूडेंट्स, ये सब जानते हैं आप लोग, एक फॉर्मूला था 6 क्लास में जो कि आप लोग बहुत ही अधिक याद किए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता था स्टूडेंट, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस का 4ab। सोच के देखिए स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, यानी यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। आप स्टूडेंट इसको देख सकते हैं सॉल्व करके भी, इसका और इसका यानी कि LHS और RHS सेम आ जाएगा। सेकेंड बात ये हम लोग सीख रहे थे स्टूडेंट, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसका फॉर्मूला आता था a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर माइनस का 4ab। सोच के देखिए स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता था, यानी जब स्टूडेंट्स आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हम लोग का फॉर्मूला होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, और जब स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस का 4ab। ये तो फॉर्मूला था। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसी बेस पे हम आपको थोड़ा सा एक और फॉर्मूला बताते हैं जो अभी यूज होने वाला है। ठीक है, आप सोच के देखिए स्टूडेंट, यदि आपको कहीं पे लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा। अब सोच के देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर ये ए के जगह पे आया है, वाई स्क्वायर ये बी के जगह पे आया, यानी कि स्टूडेंट ये ए प्लस बी का ही तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो अब सोच के देखिए स्टूडेंट, इसका क्या होगा फॉर्मूला, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए यहाँ पे कौन है स्टूडेंट एक्स है, एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस बी कौन है स्टूडेंट वाई स्क्वायर है, तो इसको लिख दिए होल स्क्वायर है, इसको लिख दिया, फिर प्लस का 4ab, ए के जगह क्या स्टूडेंट एक्स स्क्वायर और बी के जगह पे क्या स्टूडेंट वाई स्क्वायर, तो इससे इसको लिखिए। एक और फॉर्मूला इसी में स्टूडेंट, जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो हम लोग भी यहाँ पे लिखेंगे ए, ए के जगह पे जो है उसको लिखिए, प्लस का बी, बी के जगह पे जो है स्टूडेंट उसको लिख दिए होल स्क्वायर, फिर माइनस का 4ab, ए के जगह पे क्या स्टूडेंट एक्स स्क्वायर है और बी के जगह पे क्या है वाई स्क्वायर है, इस चीज को लिखे। बस यही दो फॉर्मूला का स्टूडेंट, एक इसका और एक इसका यूज होगा और पूरा एक्सरसाइज आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर दे स्टूडेंट, थोड़ा सा काफी इजी एक्सरसाइज है, देखिए ना अभी आपसे तुरंत बन जाएगा। यदि हम लोग क्लासरूम में रहते हैं ना, बस एक क्वेश्चन हिंट करते और सभी बच्चों, आप लोग सभी बच्चे ये बोलते हैं कि सर अब आगे छोड़ दीजिए, हम लोग से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स बस ऑनलाइन में इसी एक चीज का हमको कमी बुझा रहा है, ये है कमी कि बस हम आपका वो स्माइली फेस नहीं देख पा रहे हैं, और जिसके वजह से हम ये चीज समझ नहीं पाते कि बच्चे कितने बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। जब स्टूडेंट्स ऑफलाइन आप पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको और भी अधिक मजा आता है, और वो जो जो ऑफलाइन मेरे पास पढ़े उनको सबको पता ही है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं ना, एक बार हम आपको ये फॉर्मूला रिपीट करते हैं, काफी इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, यही दोनों फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर ये ए के जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस है देखिए स्टूडेंट दे दिए, और बी के जगह पे वाई स्क्वायर आया। जब स्टूडेंट्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस का 4ab ए के जगह पे जो है स्टूडेंट उस चीज को लिख दिए और सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे ये 6 का चीज है, इसको कितना रिपीट करें है कि नहीं। तो चलिए स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट वो ये लिखा अंडर रूट 5 + 12y। हाँ 5 + 12y। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। माइक का तार कभी कभी फंस जाता है इसलिए इसको देखना होता है, ठीक है। और नहीं तो फिर हम जो भी बोल रहे हैं ना बस वो वीडियो में हम तो दिखेंगे लेकिन मेरा वॉइस ही नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देखना होता है क्योंकि दो दो मोबाइल जुड़ा हुआ है, एक जिससे कि मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और दूसरा यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो मोबाइल है उसका पिन शायद खराब हो गया जिसके वजह से न्यू माइक भी उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था स्टूडेंट, इस कारण से दूसरा थोड़ा मेहनत लग रहा है लेकिन क्या करें अब लॉकडाउन हो गया तो, ठीक है। चलिए कितना बताया ऑफलाइन जब मिलेंगे तब बताएंगे सारा बात, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5 + 12y है स्टूडेंट्स, अंडर रूट इसको लिखिए, ठीक है। अंडर रूट 5 + 12y इस चीज को लिखिए। आप सोच के देखिए स्टूडेंट जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम लोग इसको x + iy के बराबर भी मान सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy के बराबर होता है। तो लिखिए सॉल्यूशन में लेट रूट 5 + 12y इक्वल टू x + iy। अब स्टूडेंट देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार हम लिख रहे हैं ना उसी प्रकार आपको हर एक क्वेश्चन में काम करना। अब स्टूडेंट आप दोनों ओर इसका स्क्वायर कर दीजिए, लिखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि दोनों ओर स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करके देखिए स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल, तो 5 + 12y इक्वल टू x + iy का होल स्क्वायर हो जाएगा। सोच के देखिए ना दोनों तरफ आप जब स्क्वायर करते हैं तो ये रूट कैंसिल और यहाँ पे x + iy का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए लिखिए यहाँ पे जो उसको लिखिए स्टूडेंट 5 + 12y इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और फिर प्लस का 2ab। इस चीज को लिखे स्टूडेंट, ए के जगह पे एक्स था, बी के जगह पे iy था, इस चीज को लिख दिए। अब सोच के देखिए स्टूडेंट्स 5 + 12y इक्वल टू यहाँ पे x² i² का वैल्यू स्टूडेंट कई क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं -1 होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का y² फिर प्लस का इस i को बाहर कर लीजिए तो 2xy बचेगा, इस चीज को लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों ओर हम लोग का ये चीज मिला, अब हम लोग क्या करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स LHS साइड में बिना आई वाला टर्म और RHS साइड में बिना आई वाला टर्म दोनों बराबर हो जाएगा। इधर स्टूडेंट्स आई वाला टर्म और इधर आई वाला टर्म वो दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद चलिए अब जो जो बराबर होगा स्टूडेंट उस चीज को लिखिए। ये 5 x² - y² के बराबर होगा, x² - y² इक्वल टू 5 और यहाँ पे स्टूडेंट ये 2xy इक्वल टू 12 होगा। स्टूडेंट अब इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर ना 2 ले मतलब मान लीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास क्वेश्चन में x² - y² का मतलब x² - y² मिले तो आपको फॉर्मूला जो है x² + y² का लगाना है। जब स्टूडेंट यहाँ पे x² + y² मिले तो आपका जो फॉर्मूला है वो आपको x² - y² लगाना, मतलब उल्टा। यदि स्टूडेंट यहाँ पे आपको माइनस मिल जाए तो फिर हम लोग प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यदि यहाँ पे प्लस मिल जाए तो फिर हम लोग ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कोई दिक्कत है, चलिए अब आगे समझिए स्टूडेंट। चलिए हम लोग लिखिए नाउ, चलिए यहीं पे लिखते हैं नाउ क्या, तो x² - y² का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट x² + y। अच्छा हम क्या बोले, यदि यहां माइनस हो तो यहां पे हम लोग प्लस करेंगे। अब देखिए x² - y² का होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, फिर यहां पे क्या हो जाएगा तो प्लस का 4x² और y² इस चीज को लिखिए। आप सोच के देखिए स्टूडेंट यहां पे x² - y² का वैल्यू आपको 5 पता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इस चीज को लिखिए। फिर प्लस सोच के देखिए स्टूडेंट ये 4x² - y² को यदि हम लोग 2xy का होल स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको लिखिए, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 25 है इसको कर दिए और इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट 12 है। देखिए 2xy का वैल्यू 12 है तो यहाँ पे लिखिए 12 का स्क्वायर 144।
जब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169, तो सोच के देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 13 होगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जब आप अंडर रूट यहाँ पे इतना कर दिए तो 169 तो इसका वैल्यू प्लस माइनस 13 होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे केवल प्लस 13 कैसे लिख दिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब सोच के देखिए, कोई भी स्क्वायर, कोई भी दो निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। समझे क्या बोले? आप नहीं समझे, फिर से सोचिए स्टूडेंट, कभी भी दो नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग निगेटिव नहीं लिए, डायरेक्ट पॉजिटिव लिए। अब कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अब देखिए, अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को एड कर देना सभी क्वेश्चन में। यहां पर लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, हर एक क्वेश्चन में आपको यही स्टेप बाय स्टेप काम करना है स्टूडेंट। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। एड जैसे ही करते स्टूडेंट ये कैंसिल, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 18। यहां से स्टूडेंट आप सोच के देखिए, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, ये इससे कटेगा 9 बार में, तो x इक्वल टू अंडर रूट 9 और उसका वैल्यू क्या जाएगा प्लस माइनस 3, इससे छोड़ लोग लिखे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है ना, y का जब x का वैल्यू मिल गया, देखिए x का वैल्यू मिल गया, अब हमको y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू लेने के लिए स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन नंबर 2 पे आना, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब सोच के देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 से यदि हमको y बराबर चाहिए तो ये इससे 6 टाइम कटेगा, और अच्छा एक बार लिख देते 2xy इक्वल टू 12, तो स्टूडेंट यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये से 6 टाइम कट गया तो 6x होगा। अब व्हेन x बराबर आपके पास दो वैल्यू, एक प्लस 3 माइनस 3, व्हेन x इक्वल टू प्लस 3 हो और जब x इक्वल टू माइनस 3 हो, तो देखिए y का वैल्यू क्या होगा, यहां पे 3 रखिए स्टूडेंट तो y इक्वल टू 2, और यहां पे स्टूडेंट आप 3 रखिए तो y इक्वल टू माइनस 2 होगा, इस चीज को लिख दिए। अब स्टूडेंट्स यहां पे आप आइए लिखिए, चूंकि चलिए स्पेस नहीं है तो यहां पे लिख देते हैं, क्योंकि क्या है रूट 5 प्लस 12 आई इक्वल टू कितना है x प्लस आई वाई, इस चीज को लिखे। अब स्टूडेंट x के जगह पे जब आप 3 रखते हैं, प्लस वाला 3, ठीक है प्लस 3 रखते हैं, तो y भी आपको 2 मिलता है, यानी कि 3x प्लस का 2i हो जाएगा। और जब स्टूडेंट्स आप माइनस 3 रखते हैं ना, तो आप सोच के देखिए माइनस 3 तो आपको y माइनस 2 मिलता है, तो y की जगह पे आप माइनस 2 रख दीजिएगा तो माइनस का 2i होगा, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बताइए स्टूडेंट कोई दिक्कत है? एक काम करते हैं स्टूडेंट, ये पूरा बोर्ड ना एकदम भर गया, तो आप पहले इसको अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन आपको बताएंगे स्टूडेंट, ताकि आपको दिक्कत हो ही ना। बहुत इजी एक्सरसाइज है और सब में देखिए स्टेप बाय स्टेप अभी यही काम होने वाला है। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे समझाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया स्टूडेंट, अंडर रूट 16 माइनस 30i। हम आपको क्या बोले थे स्टूडेंट, सबसे पहला आपको यहां पर लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है, फिर स्टूडेंट्स आपको लिखना है लेट, ठीक, फिर इसको हम लोग x प्लस आई वाई के बराबर लिखेंगे, इस चीज को लिख देना है 16 माइनस 30i इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब स्टूडेंट्स आप दोनों ओर ना स्क्वायरिंग कर दीजिए, लिखिए ऑन स्क्वायरिंग, हर एक क्वेश्चन में स्टूडेंट यही काम होगा ही, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि दोनों ओर स्क्वायर करने पर। तो सोच के देखिए स्टूडेंट, आप जैसे ही स्क्वायर करते हैं ना, तो स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो जाता है, तो रूट को कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब 16 माइनस 30i इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर लिखेंगे 16 माइनस 30i इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और फिर प्लस का 2ab, इस चीज को लिख दिए। अब सोच के देखिए स्टूडेंट, आप दोनों ओर ना पहले अच्छा आई स्क्वायर का वैल्यू रख लीजिए, ठीक है, रखिए आई स्क्वायर का वैल्यू, तो 16 माइनस 30i इक्वल टू आई स्क्वायर का वैल्यू स्टूडेंट माइनस 1 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आई को यदि हम लोग बाहर कर ले तो 2xy, इस चीज को लिखे। अब स्टूडेंट वही हम लोग कंपेयरिंग द कोफिशियंट करेंगे, लिखिए कंपेयरिंग द कोफिशियंट, ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशियंट। अब स्टूडेंट जैसे हम लोग कंपेयरिंग द कोफिशियंट देखेंगे, इसका मतलब इधर बिना आई वाला टर्म और इधर बिना आई वाला टर्म वो दोनों बराबर होगा, इसका मतलब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, और इधर स्टूडेंट आई वाला टर्म और इधर भी आई वाला टर्म बराबर होगा, यानी कि 2xy
इक्वल टू माइनस का 30 सोच के देखिए ना, आई का कोफिशियंट माइनस 30 और आई का कोफिशियंट 2xy, ये दोनों बराबर हो गया। आप स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर वन और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लीजिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार काम करना है स्टूडेंट। अब देखिए, जब स्टूडेंट्स हम बोले थे यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिली, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ जब हमको माइनस मिल गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स नाउ यहाँ पे, ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर प्लस का 4x स्क्वायर और y स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट, इस चीज को लिखे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का जो वैल्यू है ना उसको यहां पे रख दीजिए, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस, यहां पे सोच के देखिए स्टूडेंट क्या है, यदि हम लोग इसको 2xy का होल स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2xy का वैल्यू क्या स्टूडेंट माइनस 30, तो यहां पे लिख दीजिए 16 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 30 का स्क्वायर स्टूडेंट, तो मिलकर के क्या होगा 256 प्लस का 900 और दोनों को आप जैसे ऐड करते हैं स्टूडेंट 1156 होगा। अब आप सोच के देखिए स्टूडेंट, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1156 यानी कि 1156 हो गया, तो यदि हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1156 होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1156। और स्टूडेंट्स ये सबको पता है, आप लोग 56 में बहुत रटते थे, ये किसका स्क्वायर रूट है तो 34 का, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 34 होगा, इस चीज को लिख दे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे हम बोले थे स्टूडेंट, जब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाए तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे, कर लिए। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते थे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, लिखिए स्टूडेंट्स एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को आप जैसे ही जोड़ते हैं ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करके दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 34 है, इसको लिखे, और फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है, इस चीज को लिख दिए, ये दोनों कैंसिल स्टूडेंट, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 50। तो सोच के देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5। जब स्टूडेंट्स x इक्वल टू प्लस माइनस 5, जब हम मेरे पास x मिल गया, y चाहिए तब ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख पाएंगे, तो y के लिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखिए when x इक्वल टू जब प्लस 5 होगा और जब x इक्वल टू माइनस 5 होगा, तो देखिए स्टूडेंट यहां से आपको y बराबर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स यदि हम लोग लिखे y बराबर तो क्या हो जाएगा, सोच के देखिए स्टूडेंट्स, वहां से यदि इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग लिखे 2xy इक्वल टू माइनस का 30, तो ये से कटेगा 15 टाइम, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 15 बाय x। अब यहाँ पे 5 को रखिए तो y इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही आप रखिएगा स्टूडेंट, देखिए y इक्वल टू माइनस 15 बाय x, तो x की जगह पे माइनस 5 रखिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स y इक्वल टू माइनस 3 कब आया, जब x इक्वल टू 5 आया, और x इक्वल टू माइनस 5 तो y इक्वल टू 3। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं स्टूडेंट, x के जगह पे आप प्लस 5 लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, चूंकि क्या है अंडर रूट 16 माइनस 30i इक्वल टू क्या है x प्लस आई वाई है, इस चीज को लिखिए स्टूडेंट। x के जगह पे जब आप 5 रखिएगा तो सोच के देखिए कहां पे लिख दे, चलिए इस जगह बॉक्स बनाते हैं और यहां पे ही लिख देते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट जब आप x के जगह पे प्लस 5 रख रहे हैं, ठीक है, तो आपको y क्या मिल रहा है माइनस 3, यानी कि माइनस का 3 आई हो जाएगा, और जब स्टूडेंट आप माइनस 5 रखते हैं x के जगह पे तो क्या हो जाएगा माइनस 5, और y आपको क्या मिलता है प्लस 3 मिलता है, यानी कि प्लस का 3i, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बताइए स्टूडेंट्स क्या कहीं भी एक भी स्टेप पे आपको दिक्कत हुआ क्या, चलिए बार हम रिपीट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट जब भी कभी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग उस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई के बराबर मान लेंगे, ठीक है, फिर स्टूडेंट्स हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बचेगा, इस चीज को लिख दिए स्टूडेंट। यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए तो एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है स्टूडेंट, तो मिलकर के माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहां से हम लोग इस i को कॉमन कर ले, अंदर क्या बचा 2xy, इसको लिखे। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कर दिए, ये
और ये दोनों इक्वल होगा, यहाँ पे ये और ये इक्वल होगा, इसको कर दिए स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर वन और ये क्वेश्चन नंबर टू हमेशा आपको लेट करना है, ठीक। जब स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिले तो आपको फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है, इसको लिख दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू लिख दिए, 16 है, इसका स्क्वायर हो गया, फिर प्लस, अच्छा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को यदि हम लोग टू एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब टू एक्स वाई का जो वैल्यू है स्टूडेंट इक्वेशन नंबर टू में माइनस 30 इसको लिख दे, ठीक है, और दोनों चीज को एड कर दिए, 1156 आया, इसको लिखे। अब स्टूडेंट जब हम लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, अंडर रूट 1156 इसको लिखे, और इसका वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, 34 होता है, इस चीज को लिख दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट आप सोच के देखिए, हम बोले थे इसको इक्वेशन नंबर थ्री करने के लिए, इसको इक्वेशन नंबर थ्री मान लिए, दोनों इक्वेशन को जोड़े स्टूडेंट, यहां से हम लोग के पास एक्स का वैल्यू मिल गया कितना, तो प्लस माइनस 5। एक बार स्टूडेंट आपको वाई का वैल्यू चाहिए, जब एक्स का मिल गया तो एक बार प्लस 5 रखेंगे तो वाई का वैल्यू माइनस 3 होगा, जब माइनस 5 रखेंगे तो वाई का वैल्यू प्लस 3 होगा। अब स्टूडेंट आप इक्वेशन पर रख दीजिए ना, प्लस 5 रखे तो माइनस वाई के जगह पे माइनस 3 हो गया, जब स्टूडेंट माइनस 5 रखे एक्स में तो हमको वाई प्लस 3 मिला, इसको लिख दे रही है, तो आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, और भी हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, जब आपको यहाँ पे आई ना दे तब हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर आगे आपको क्वेश्चन नंबर जो 14 तक क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 14 है, इन अभी मैं आपको एक मतलब 12 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऊपर भी मिलेगा, जैसे कि आपको शायद जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सा नंबर में दिया हुआ है, तो अच्छा जैसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग के पास अभी यहाँ पे आई मिल जा रहा था, आराम से बना रहे थे, जब आई ना मिले तो फिर उसको कैसे बनाएंगे, बीस चीज को समझते हैं, वो और भी इजी होता है स्टूडेंट, जब ना मिले तो उस फॉर्म में ले आएंगे, देखिए कैसे लाते हैं। आप सोच के देखिए स्टूडेंट, ये अंडर रूट 2 है, यदि अच्छा माइनस 2 है, यदि हम लोग इसको लिखे 2 × −1 तो क्या कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचा 2, और आप सब जानते हैं ये माइनस 1 जो होता है आई स्क्वायर का वैल्यू होता है, आई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, तो रूट 2 और आई बचेगा, बस इसी तरह हम लोग यहाँ पे आई का फॉर्म ले आएंगे और आराम से बना लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको समझाते हैं, फिर आपको एक भी क्वेश्चन पे अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आज का, और यदि किसी भी क्वेश्चन पे आपको दिक्कत हो इतना समझाने के बाद भी, तो आप हमसे जरूर कॉल करके व्हाट्सएप पे जैसे भी हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट इसको लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या, तो अंडर रूट अच्छा 7 है, लिखिए माइनस का 30, और अभी तुरंत इसको बताएं हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो रूट 2 आई लिख सकते हैं, इस चीज को लिखे। और स्टूडेंट ये जैसे ही आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म मिला तो हम लोग इसको लेट कर लेंगे एक्स प्लस आई वाई के बराबर, तो लिखिए एक्स प्लस आई वाई। अब स्टूडेंट आप दोनों तरफ इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, लिखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल और यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 7 − 30 रूट 2i इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। अब सोच के देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 − 30 रूट 2i इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और फिर प्लस का 2ab, इस चीज को लिखें। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 7 है, माइनस का 30 रूट 2i है और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू आप सब जानते हैं माइनस 1 होता है, तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और फिर प्लस, यहां से हम लोग i को यदि कॉमन कर ले स्टूडेंट तो 2xy बचेगा ना, इस चीज को लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग दोनों तरफ वही 21 स्टेप, मतलब बोले ना हर एक क्वेश्चन पे वही काम होता है, कंपेयरिंग द कोफिशियंट, तो चलिए लिखिए कंपेयरिंग द कोफिशियंट, ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशियंट। अब देखिए स्टूडेंट जैसे हम लोग कंपेयरिंग द कोफिशियंट करते हैं ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2xy इक्वल टू माइनस का 30 रूट 2 होगा ना, तो चलिए इस चीज को लिखते हैं माइनस का 30
रूट टू, इसको इक्वेशन नंबर टू करना है स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर वन करना है। अब स्टूडेंट जब हम लोग के पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का लिखेंगे, जब स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का लिखेंगे, बस उल्टा कर देना है ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर प्लस का फोर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इस चीज को लिखिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू स्टूडेंट उसको लिख दीजिएगा तो 49 फिर प्लस यहां पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 30 का स्क्वायर 900 और इनटू 2 करेंगे तो एक बार लिख के दिखाते हैं स्टूडेंट, इसको लिखिए 2x वाई का होल स्क्वायर, सोच के देखिए। अब स्टूडेंट 49 प्लस जो वैल्यू स्टूडेंट उसको लिखिए माइनस का 30 रूट टू, माइनस का 30 रूट टू का होल स्क्वायर है। अब सोच के देखिए स्टूडेंट 49 प्लस इसका 900 हो जाएगा और मतलब रूट टू का 2 तो मतलब 900 इंटू 2 करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा 1800। आप दोनों को जैसे ही यहां पे जोड़ देते स्टूडेंट तो 1849 होता। अब आप सोच के देखिए स्टूडेंट 1849 हुआ, हम लोग के पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना है तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम लोग के पास स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1849 होगा कि नहीं, तो बताइए स्टूडेंट्स अंडर रूट 1849 का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स अंडर रूट 1849 का वैल्यू कितना होता है, 43 होता है ना, तो यहाँ पे लिखिए 43, इस चीज को लिख दिए। अब स्टूडेंट्स जब हम लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया, हम आपको बोले थे इसको इक्वेशन नंबर 3 करने के लिए, इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिए, दोनों इक्वेशन को आप जोड़िए स्टूडेंट्स एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 या फिर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3 जो आपको मन करे वो चीज लिखिए ठीक है। चलिए इस बार लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, पिछले दो क्वेश्चन में स्टूडेंट सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3 लिखे, आप कुछ भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 43, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 50। तो सोच के देखिए स्टूडेंट यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 5 मिलेगा। आप लोग सॉल्व करके देखिए x इक्वल टू प्लस और माइनस का 5 मिलता है। अब स्टूडेंट हमको यहाँ पे लिखना है चूंकि y इक्वल टू, अच्छा y इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा सोच के देखिए ना, ये इससे 15 टाइम्स कटेगा, मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे यदि हम लोग y इक्वल टू निकाले तो माइनस का 15 रूट टू बाय x हो जाएगा। अब स्टूडेंट लिखिए व्हेन x इक्वल टू प्लस 5, जब x का वैल्यू प्लस 5 है और जब x का वैल्यू माइनस 5 है तो y का क्या वैल्यू होगा उस चीज को रखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप x की जगह पे जैसे ही 5 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 y इक्वल टू, देखिए एक बार लिख दे क्या यहाँ पे, चलिए y इक्वल टू क्या है माइनस का 15 रूट टू बाय एक्स, एक्स की जगह पे यहाँ पे आप रखिए ना 5, तो दोनों कट करके स्टूडेंट y इक्वल टू माइनस का 3 रूट टू होगा। और स्टूडेंट आप यहाँ पे जैसे ही रखते हैं ना तो y इक्वल टू आपके पास प्लस का 3 और रूट टू होगा, सोच के देखिए प्लस का साइन नहीं लिखते इसलिए नहीं लिखे, लिखे स्टूडेंट चूंकि आपके पास वहां पे वैल्यू क्या दिया हुआ अंडर रूट 7 माइनस 30 रूट टू आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई इस चीज को लिखे। एक्स के जगह पे जब हम लोग स्टूडेंट प्लस 5 लेंगे तो देखिए वाई का वैल्यू क्या होगा माइनस का 3 रूट टू आई, इस चीज को लिखे। और जब स्टूडेंट हम लोग माइनस 5 लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा तो प्लस का 3 रूट टू और आई, ये हम लोग का हो गया इसका फाइनल आंसर। बताइए स्टूडेंट ये तीन क्वेश्चन में क्या आपको कहीं भी दिक्कत हुआ, यदि नहीं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने सभी उन प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो अभी क्लास 11th का स्टडी कर रहे हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट यदि नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा क्लास 11th और 12th का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए और बढ़िया से घर में पढ़ना है, मेहनत करना है, चाहे जिस भी टॉपिक को आप रिविजन कर रहे हैं यदि आपको डाउट हो तो मेरे पास शेयर कीजिए ठीक है। बाकी वाले स्टूडेंट फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।